181 दिन तिहाड़ जेल में काटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जब रिहा हुए तो जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इतना मजमा जुट गया कि संजय सिंह को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि कार्यकर्ता जश्न में ना डूबे। संजय सिंह तिहाड़ जेल से सीधा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। केजरीवाल की पत्नी संजय सिंह के इंतजार में घर के बाहर खड़ी थी। उन्हें देखते ही संजय सिंह ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हुए। पार्टी दफ्तर में स्वागत की पूरी तैयारी थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी, फूलों की बारिश हो रही थी और स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पार्टी के तमाम बड़े नेता संजय सिंह का इंतजार कर रहे थे। संजय सिंह स्टेज पर चढ़े और सभी नेताओं के गले लगकर उनसे मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने माला पहनाकर संजय सिंह का स्वागत किया और संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए। जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब। क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है, इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है और यही आपकी सरकार इनकी आंखों की किरकिरी बनी है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के बाद रात 11:15 बजे के करीब संजय सिंह दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिले। रात करीब 12 बजे जाकर संजय सिंह अपने घर पहुंचे। 6 महीने बाद जब वो घर लौटे तो उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने लड्डू खिलाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।